नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। अब तो थोड़ा सा इंतजार रह गया है, कुछ घंटे बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे का आगाज होगा। पहले T20 मुकाबला है, पहला कल ब्रिस्बेन गाबा में खेला जाएगा। बड़ी बात यह है कि भारत के कप्तान ने आज कहा है कि कप लेने आए हैं, ये कप हमारा है। आखिरी बार जब भारत गया था ऑस्ट्रेलिया तो T20 सीरीज 3-0 से जीत कर आया था। आज भारत ने अपने 12 खिलाड़ियों के नाम का ऐलान किया और लगता यह है कि कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और कृणाल पांड्या में से एक को बाहर बैठना पड़ेगा, बाकी टीम जो है वो तैयार है। आज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने यह भी साफ कर दिया कि स्मिथ, वार्नर और बैंकक्रॉफ्ट पर से वक्त से पहले बैन नहीं हटाया जाएगा। जो कयास चल रहे थे, ऑस्ट्रेलियाई खेमे से आ रही थी आवाजें, वो खत्म हो गए हैं। अब भारत की सीरीज में ये तीनों खिलाड़ी नहीं दिखेंगे। कल है पहला मुकाबला ब्रिस्बेन में गाबा, बड़ा ऐतिहासिक मैदान है, ऑस्ट्रेलिया को सूट भी करता है। लेकिन दिक्कत यह है ऑस्ट्रेलिया के लिए, एक उनके वार्नर, स्मिथ और बैंकक्रॉफ्ट पर बैन लगा है और दूसरा उन्होंने अपने जो बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं उनको टेस्ट सीरीज के लिए बचाने के लिए T20 में आराम दिया है। साफ है कि ये T20 सीरीज जीतने का फेवरेट भारत रहेगा। जरा इस साल इस फॉर्मेट में भारत के प्रदर्शन पर नजर डालिए। 16 में से 13 मैचों में भारत को जीत मिली, सिर्फ 3 मैच ही ऐसे रहे जिसके नतीजे भारत के हक में नहीं आए। विनिंग परसेंटेज के रूप में देखें तो ये बनता है 81.25, है ना आंकड़े आंखें खोल देने वाले। 15 में से 10 बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दी है। ये जो 10 जीत भारत को मिली है वो एकदम एक तरफा ही रही, यानी 76% मुकाबलों में भारत ऑस्ट्रेलिया को ठहरने ही नहीं देता। निखिल है मेरे साथ और कई दिन से हम इंतजार कर रहे हैं, दरअसल 4 साल से ही इंतजार हो रहा है। वो ज्यादा टेस्ट सीरीज का इंतजार है लेकिन आगाज T20 से है। पहले 3 मुकाबले हैं, कल 1:20 में भारत ने अपने 12 खिलाड़ी को ऐलान किया है। मुझे लगता है कि कृणाल शायद खेलेंगे, चहल और कुलदीप में से एक बाहर बैठ सकता है। मेरे को लगता है विक्रांत भाई शायद युजवेंद्र चहल बाहर बैठेंगे। कृणाल को आप इसलिए खिलाना चाहेंगे कि बैटिंग और जिस तरीके से उनकी फील्डिंग में योगदान रहता है टीम के लिए, कहीं ना कहीं अपना योगदान देने की उनकी पूरी कोशिश रहती है और यही एक बेहतर कॉम्बिनेशन होगा। 3 फास्ट बॉलर, 1 ऑलराउंडर, 1 फ्रंट लाइन स्पिनर कुलदीप, और ये एक अच्छा एक मुकाबला भी होगा कुलदीप के लिए, एक टेस्ट भी होगा। अच्छा उछाल प्राप्त करेंगे ब्रिस्बेन में, तेज गति का विकेट है और जितनी रेवोल्यूशन गेंद पे रहेंगी उनके पास 2-3 अलग अलग गेंदे हैं, विकल्प हैं किस तरीके से वो बैट्समैन को चकमा दे सकते हैं। और आपके पास एक फ्रंटलाइन बॉलर ऐसा है जो 4 ओवर में आपको बीच में आके 2 विकेट निकाल देता है, तो विपक्षी टीम अपने आप दबाव में। ऑस्ट्रेलिया दबाव में रहेगा क्योंकि वार्नर और स्मिथ का ना होना। हालांकि देखिए ऑस्ट्रेलियन अब अपने घरेलू सीजन में खेलना शुरू किया, साउथ अफ्रीका से हारे, लेकिन उनको अपने घर पर अंडर एस्टिमेट आप नहीं कर सकते। वार्नर स्मिथ का ना होना उनकी बैटिंग के लिए बहुत बड़ा झटका है। गेंदबाजी उनकी बड़ी मुकम्मल है, हम तो कह रहे टेस्ट मैचों में, लेकिन उन्होंने T20 में मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड इनको आराम दिया, पैट क्यूमिंस और नेथन लायन तो खैर इतना T20 खेलते नहीं। गेंदबाजी भी कमजोर है, बैटिंग भी कमजोर है। भारत फेवरेट है या भारत ही जीतेगा? इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत फेवरेट है। 20 ओवर के मुकाबले 120 गेंदों का जो खेल होता है ना, उसमें आप किसी भी विपक्षी टीम को मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। दबाव में ज्यादा टीम कौन सी? इसमें कोई दो राय नहीं, ऑस्ट्रेलिया। और मैं मानता हूँ ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन है, एक नजर उनकी आईपीएल की ऑक्शन पे भी रहेगी, जिस तरीके से ग्लेन मैक्सवेल को बाहर कर दिया है, ऑक्शन रहेगी, अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 20-20 ओवर के मुकाबले में विश्व में कहीं भी मुकाबले होते हैं ना, हर खिलाड़ी जाके अपना ऐसा योगदान देना चाहता है कि वो छाप छोड़ना चाहता है कि जब आईपीएल का ऑक्शन का समय आए तो वो उसकी आवाज, उसका प्रदर्शन गूंजता रहे ताकि वो पैसे कमाए। हालांकि आंकड़े ये बताते हैं कि T20 में समाओ मतलब भारत का पलड़ा ऑस्ट्रेलिया पर भारी रहा है। अगर आप ओवरऑल T20 क्रिकेट भारत ऑस्ट्रेलिया की उठा या फिर ऑस्ट्रेलिया में भी देखें, मतलब ऐसा अक्सर होता नहीं है कि किसी फॉर्मेट में भारत ऑस्ट्रेलिया में अपने रिकॉर्ड को ऑस्ट्रेलिया से बेहतर रखे, लेकिन ये T20 में है। और इसकी बड़ी वजह ये भी है कि जब हम आखिरी बार गए थे 2016 में तो भारत उस T20 सीरीज को 3-0 से जीत कर आया था। उसमें एक खिलाड़ी ने खेलना शुरू किया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, उस खिलाड़ी का नाम है जसप्रीत बुमराह, और आज जसप्रीत बुमराह के कंधों पर भारत की गेंदबाजी अटैक है और ऑस्ट्रेलिया जसप्रीत बुमराह से थरथर कांप भी रहा है।
इस जोड़ी के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से दुनिया भर के सबसे कामयाब गेंदबाजों की सूची में चहल पहले पायदान पर हैं, तो कुलदीप चौथे। चहल तो इस छोटे फॉर्मेट में बड़ी कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं, वो 50 विकेट से 6 कदम दूर हैं, और इस सीरीज में ये मुकाम पाते ही वो दुनिया के दूसरे सबसे तेज 50 शिकार करने वाले गेंदबाज बन जाएंगे। अब जो भी नतीजा हो मजा तो आएगा, क्योंकि इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में भारत ने अच्छा नहीं किया, यहां से अच्छा करना है, और T20 शायद मौका भी है भारत के पास, क्योंकि भारत का पलड़ा भारी है। अच्छा, आज क्या है मुद्दा, 8 बजे हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर आपकी स्क्रीन पर है, ये प्रीव्यू है, आपके सवाल लिए जाएंगे, आपको क्या लगता है भारत जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, कौन सितारा रहेगा, आपको फटाफट सब्सक्राइब करना है स्पोर्ट्स तक को, यूट्यूब पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है, अपने सवाल तैयार रखने हैं, 8 बजे उस एजेंडा में आप हिस्सा लीजिए। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।